1982 में रिलीज हुई फिल्म नदिया के पार आज भी बेहतरीन फिल्मों में से एक गिनी जाती है। इसी फिल्म की तर्ज पर हम आपके हैं कौन मूवी भी बनी और सलमान माधुरी लोकप्रिय हुए। ये फिल्म पूरी तरह पारिवारिक फिल्म थी जिसे आज भी बड़े चाव से देखा जाता है। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब टिकट खिड़की पर घंटों खड़े होकर लोग इस फिल्म की टिकट के लिए मशक्कत करते थे। भोजपुरी मिश्रित हिंदी में इसके संवाद और गाने काफी हिट हुए थे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में इस फिल्म की शूटिंग की गई थी। तब सचिन और साधना बिल्कुल फ्रेश चेहरे थे। इस फिल्म ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार में बल्कि पूरे देश में ब्लॉकबस्टर होकर ये साबित कर दिया था कि नॉर्मल चेहरे भी तरक्की पा सकते हैं। फिल्म की रिलीज के इतने साल बीत चुके हैं लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें काम करने वाले सितारे अब कहाँ हैं और कैसे दिखते हैं? साधना सिंह यानी गुंजा। फिल्म नदिया के पार की गुंजन तो आपको याद ही होगी। गुंजा का किरदार निभाने वाली ये हीरोइन थी साधना सिंह। नदिया के पार साधना की डेब्यू फिल्म थी। साधना को इस फिल्म के लिए काफी सराहना मिली थी। इसके बाद उन्होंने करीब 20 फिल्मों में काम किया। इसमें जुगनी और मुक्काबाज जैसी फिल्में शामिल है। साधना लंबे समय से लाइमलाइट से दूर हैं। साधना का सपना हीरोइन बनना नहीं था, इसीलिए सफल डेब्यू के बाद उन्होंने गिनती की कुछ फिल्मों और की और बॉलीवुड को छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने टीवी का रुख किया। साधना सिर्फ एक बेहतरीन हीरोइन ही नहीं बल्कि उम्दा सिंगर भी है। सचिन पिलगांवकर यानी चंदन। इस फिल्म में सचिन पिलगांवकर ने चंदन का किरदार निभाया था। सचिन ने महज 4 साल की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू कर लिया था। अपनी सहज मुस्कान और अदायगी के बल पर सचिन ने जल्द ही अपनी पहचान भी बना ली और सचिन की यादगार फिल्मों में राजश्री प्रोडक्शन की ही 2 फिल्में अखियों के झरोके से और नदिया के पार है। शोले, त्रिशूल, सत्ते पे सत्ता जैसी कई यादगार फिल्मों में सचिन ने छोटा लेकिन अहम रोल निभाया है। सचिन फिल्मों के अलावा कई टीवी सीरियल में भी नजर आ चुके हैं। सचिन फिल्मों में अब भी पूरी तरह से एक्टिव है। वो मराठी और हिंदी दोनों ही इंडस्ट्रीज में बतौर एक्टर काम कर रहे हैं। इंदर ठाकुर यानी ओमकार। नदिया के पार में इंदर ठाकुर ने चंदन के बड़े भाई ओमकार की भूमिका निभाई थी। हालांकि 35 साल की उम्र में ही उनकी परिवार संग मौत हो गई थी। 23 जून 1985 में हुए एयर इंडिया फ्लाइट कनिष्क 182 क्रैश में उनकी मौत हो गई थी। इस हवाई जहाज में बैठे सभी 307 पैसेंजर और 22 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। ये एक साजिश के तहत किया गया हमला था। मिताली यानी रूपा। फिल्म में ओमकार की शादी वैद की बड़ी बेटी रूपा से होती है। रूपा का किरदार मिताली ने निभाया था। मिताली ने नदिया के पार के अलावा ले चल अपनी संग, वली ए आजम जैसी फिल्मों में काम किया। शीला शर्मा यानी रज्जो। शीला शर्मा ने कई फिल्मों और सीरियल में काम किया है लेकिन नदिया के पार में रज्जो का किरदार उनके यादगार किरदारों में से एक है। शीला ने महाभारत में देवकी का किरदार निभाया। शीला की पहली फिल्म 1982 में आई सुन सजना थी लेकिन पहचान उन्हें उसी साल रिलीज हुई फिल्म नदिया के पार से मिली थी। लीला शर्मा यानी काकी। लीला शर्मा बेहद खूबसूरत अभिनेत्री थी लेकिन उन्होंने कभी कोई लीड रोल नहीं निभाया। ऐसा नहीं था कि उन्हें लीड रोल ऑफर नहीं हुए बल्कि उन्होंने करने से ही मना कर दिया था। इसके पीछे की वजह कही जाती है कि लीला मिश्रा को पराए मर्दों को छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यही वजह थी कि वो हमेशा ही माँ, मौसी, नानी और चाची वाले किरदारों में नजर आती थी। नदिया के पार में उन्होंने काकी का किरदार निभाया था। लीला मिश्रा का निधन 17 जनवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से हो गया था। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको इस फिल्म में सबसे ज्यादा किस एक्टर या एक्ट्रेसेस का किरदार पसंद आया था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।